फाइव इन वन। तो क्या है ये फाइव इन वन? एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स। इसमें आते हैं पांच देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस ग्रुप को कहा गया है कि पांच देशों का ग्रुप है जो कि एक है पूरा, तो फाइव इन वन इस प्रकार से इसकी हेडिंग दी गई है। तो अभी हाल ही में हुआ क्या कि ये जो ब्रिक्स नाम का ग्रुप है, इस ग्रुप ने या फिर इस समूह ने अपना 11वां सम्मेलन आयोजित किया, कहाँ पर? ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में। तो उस संबंध में हमारा एडिटोरियल चर्चा करता है कि क्या बातें हुई और इसके बारे में जो है विश्लेषण प्रकट करता है। ब्रिक्स कंट्रीज़ नीड ग्रेटर कनेक्टिविटी, कि ये जो ब्रिक्स देश हैं इनको आवश्यकता है किस चीज़ की? और अधिक कनेक्टिविटी बढ़े, इनमें अधिक और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़े। एंड मोर इंटर ग्रुपिंग ट्रेड, इसके साथ ही साथ ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनमें आपस में, इंटर ग्रुपिंग मतलब ग्रुप के अंदर ही अंदर, इनमें और ज़्यादा व्यापार बढ़े। टू गेट अहेड, आगे बढ़ने के लिए, अहेड मतलब आगे, गेट मतलब आप कुछ पाना चाहते हो, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ज़रूरी है कि ब्रिक्स में जो भी देश शामिल हैं वे आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ाएं और आपस में व्यापार को बढ़ाएं। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है इसके बारे में, कि विद स्टॉर्म क्लाउड्स गैदरिंग ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी। विद स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि तूफानी बादल इकट्ठे हो रहे हैं, गैदरिंग इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ पर? ओवर, किसके ऊपर? ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर तूफानी बादल छा रहे हैं। कहने का मतलब है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वह सही नहीं चल रही है। इसके अलावा ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स इन डिसरे, इसके अलावा कि ये जो लोग ट्रेडिंग अरेंजमेंट है, एक तरीके से ट्रेडिंग अरेंजमेंट का मतलब है यहाँ पे व्यापार की व्यवस्था, यानी कि विश्व के जो देश हैं उनके बीच में जो व्यापार की व्यवस्था है उसका क्रम जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। डिसअरे, डिसअरे का मतलब होता है कि, डिसअरे का मतलब आप कह सकते हैं कि ए लैक ऑफ ऑर्डर, अव्यवस्था, यानी कि पूरे विश्व में ये जो व्यापार का जो अरेंजमेंट है वह गड़बड़ है। एंड क्वेश्चंस ओवर द रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब संगति होना किसी चीज़ की, रिलेवेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि ये जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, भाई इसका कुछ रिलेवेंस भी है या नहीं है? इसके ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं कि ये कुछ कर रहा भी है या नहीं कर रहा, या बस ऐसे ही चुपचाप बैठा है, कुछ मतलब भी है इसका? तो ऐसे सारे हालातों के बावजूद द समिट, तो ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ ब्रिक्स का, द समिट ऑफ लीडर्स ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो यानी कि ऐसे हालातों में ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इनके लीडर्स का जो सम्मेलन आयोजित किया गया, कुड नॉट हैव कम एट अ मोर अपॉर्चून टाइम। अपॉर्चून, अपॉर्चून टाइम क्या मतलब है? अपॉर्चून टाइम का मतलब होता है बिल्कुल ठीक समय, अप्रोप्रिएट, एकदम बिल्कुल ठीक समय। तो एडिटोरियल ये बताता है कि साहब ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं पूरे विश्व की, पूरे विश्व की और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, ऐसे समय पर ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा ये जो सम्मेलन आयोजित किया, इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता था। कुड नॉट हैव कम, ये जो सम्मेलन हुआ, कुड नॉट हैव कम, ये आ ही नहीं सकता था, नहीं हो सकता था, मतलब इससे ज़्यादा समय, ठीक समय हो ही नहीं सकता था, एट अ मोर अपॉर्चून टाइम। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ बिल्कुल ठीक समय पर हुआ, इससे ठीक समय हो ही नहीं सकता था, कुडंट हैव कम एट अ मोर अपॉर्चून टाइम। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या है जो विस्तार में जो है बातें करता है। ब्रिक्स हैज़ प्रूव्ड इट्स नेसेयर्स, देखो नेसेयर ना कहने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति जो नकारात्मक मानसिकता से भरा हुआ हो, हर बात में जो आलोचना करता है, हर बात में जो ना कहता है उसे बोलते हैं ना। तो ब्रिक्स हैज़ प्रूव्ड इट्स नेसेयर्स रॉन्ग, तो ब्रिक्स नाम का ये जो हमारा समूह है, इस ब्रिक्स समूह ने उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो कि ब्रिक्स के बारे में नकारात्मक मानसिकता से भरे हुए थे। ब्रिक्स हैज प्रूव्ड इट्स नेसेयर्स यानी कि जो ब्रिक्स की आलोचना करते थे उन आलोचकों को ब्रिक्स ने गलत साबित किया। ब्रिक्स हैज प्रूव्ड इट्स नेसेयर्स रॉन्ग, कब से? सिंस द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग द वर्ल्ड्स, कि भाई जब से ये ब्रिक्स नाम का एक आइडिया आया ना लोगों को कि भाई ब्रिक्स नाम का एक समूह बनाया जाए, तब से ही इस ब्रिक्स की आलोचना हो रही है कि सफल नहीं हो पाएगा, ये कोई मतलब नहीं है इसका। सिंस द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग द वर्ल्ड्स फाइव इमर्जिंग इकोनॉमीज, तो इस ब्रिक्स में कौन है? पांच देश हैं बड़े बड़े, और ये पांचों की पांचों इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ,
कि पांचों की पांचों उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं, पांचों की पांचों उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें शामिल हैं। तो इस ग्रुप की जो है जब से निर्माण निर्मित हुआ ना तभी से काफ़ी नेसेयर्स रहे हैं, इसकी आलोचना करने वाले रहे हैं, लेकिन उन सभी आलोचकों को ब्रिस्क ने गलत साबित किया है। वाज कॉइंड बाय अ कंसल्टेंट, तो ये जो ब्रिक्स नाम का ये जो शब्द है ना ब्रिक्स, इसका इसको खोजा गया था। वाज कॉइंड, इस ब्रिक्स नाम के शब्द को खोजा गया था। कॉइंड का मतलब होता है गणना, गणना मतलब किसी चीज़ की खोज करना, एक तरीके से किसी शब्द की खोज करना, तो उसके लिए भी हम कॉइन बोल देते हैं। तो इस ब्रिक्स शब्द की जो है खोज की किसने की, वाज कॉइंड बाय कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मतलब जो विचार विमर्श देता है या परामर्श देता है ना आपको, किसी एक व्यक्ति द्वारा उसकी खोज की गई। कब? टू डिकेड्स अगो, दो दशक पहले, यानी कि लगभग 20 साल पहले, टू डिकेड्स अगो। ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड इन 2006, और ये जो ब्रिक्स है इस ब्रिक्स का गठन कब किया गया? ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड इन 2006, तो सबसे 2006 में जो है इस शब्द का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं, इस शब्द का निर्माण तो टू डिकेड्स पहले ही हो गया था, टू डिकेड्स अगो शब्द का निर्माण जो है खोज लिया गया था टर्म, लेकिन ब्रिक्स जो है इसको, यानी कि जो पांचों देश हैं एक साथ आए, ये कब आए? ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड इन 2006, तो ये जो है मतलब 2006 में ये देश जो है मिल साथ आगे आए, बढ़ के आए कि हम जो है ब्रिक्स का निर्माण करते हैं। इंडिया एंड चाइना हैव बॉयड, ये जो BUOY, इसका वैसे तो मतलब होता है जब कोई चीज़ पानी में तैरती है ना, अफ्लोट करती है, फ्लोट करती है, ऊपर तैरती है, उसके लिए लगाते हैं इसको बॉय को। तो यहाँ इसका मतलब है सपोर्ट करना, इंडिया एंड चाइना हैव बॉयड, या फिर सपोर्ट इंडिया हैव चाइना हैज़ बॉयड द ग्रुपिंग विद देयर ग्रोथ, यानी कि इंडिया और चाइना ने ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को सपोर्ट किया है किसके माध्यम से? विद देयर ग्रोथ, अपनी वृद्धि के माध्यम से। एंड इवन दो द आइडिया बिहाइंड ब्रिक्स हैज़ बीन डिम्ड, और हालांकि यहाँ तक बात है, क्या बात है साहब, कि आइडिया बिहाइंड ब्रिक्स हैज़ बीन डिम्ड बाय स्लगिश ग्रोथ इन ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, यानी कि ये जो ब्रिक्स का ये जो आइडिया है, ब्रिक्स का ये जो ग्रुप बनाने का आइडिया हैज़ बीन डिम्ड। ये मतलब क्या रहा? डिम का मतलब क्या होता है? वो प्रकाश का कम पड़ जाना, मतलब स्लो पड़ जाना, रफ्तार का स्लो पड़ जाना। तो ये डिम रहा, काफ़ी स्लो रहा, क्यों? बाय स्लगिश ग्रोथ, यानी कि ये जो ब्राज़ील नाम का देश है और साउथ अफ्रीका जो है, इनकी धीमी ग्रोथ के चलते ये जो ब्रिक्स जो था ये काफ़ी मंदा पड़ गया था, काफ़ी सुस्त पड़ गया था, काफ़ी डिम पड़ गया था, या काफ़ी डिम रहा है जो आइडिया रहा है ब्रिक्स के पीछे। ब्रिक्स को बनाने का जो हमारा मकसद था, जो मोटिव था इसके पीछे, वो जो है हमेशा से ही डिम रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की धीमी ग्रोथ के चलते। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं जिसके कारण जो है इसकी जो आइडिया था ना हमारा ब्रिक्स बनाने का, वो आइडिया जो है मतलब पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। एंड रशियास सैंक्शन लेडन स्लोडाउन, सैंक्शन से लदा हुआ, लेडन मतलब होता है लदा हुआ, और सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन होता है जब भी एक कंट्री के ऊपर, यानी कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर क्या करते हैं, कई तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं, उसको बोलते हैं हम सैंक्शन। एन एक्शन टेकन अगेंस्ट अ कंट्री टू फोर्स इट टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, तो एक तरीके से प्रतिबंध जो लगा दिए जाते हैं ना, तो रशिया पर जो है काफ़ी सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं जिसके कारण उसमें रशिया में जो है स्लो डाउन चल रहा है, यानी कि रशिया की तरक्की में भी जो है बाधा आ रही है, मंदी बनी हुई है। द ग्रुप हैज़ अडेप्टेड, ब्रिक्स के बारे में ही कहा जा रहा है कि इस ग्रुप ने जो है अनुकूलित किया। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना। द ग्रुप हैज़ अडेप्टेड, तो ये जो ग्रुप है ये अडेप्ट हुआ है, एडजस्ट हुआ है टू द टाइम्स, समय और परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार। एंड प्रूवन, और इस ब्रिक्स ने साबित किया है क्या? इट्स रेसिलियंस, इट्स रेसिलियंस। क्या मतलब होता है रेसिलियंस का? रेसिलियंस का मतलब होता है कि आपके ऊपर कितनी भी चोट पड़े, आपके ऊपर कितने ही घात किए जाएं, लेकिन फिर भी आप बार बार उठ खड़े होते हो, उसको बोलते हैं रेसिलियंस, यानी कि आपकी प्रतिरोध क्षमता। द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली, कि भाई आप पे इतनी चोट पड़ी इसके बावजूद भी आप कितनी जल्दी उठ खड़े हुए, उसको बोलते हैं एक तरीके का लचीलापन जो है ना, वो कहलाता है रेसिलियंस। तो वास्तव में काफ़ी सारी परेशानियां जो है इस ग्रुप को झेलनी पड़ी। भाई क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी? कि भाई इस ग्रुप का जो मोटिव था ना, वे मोटिव जो है कई कारणों से सफल नहीं हो पाए, कि ब्राज़ील जो है, साउथ अफ्रीका जो है, इनमें मंदी बनी रही। इसके अलावा ये जो रशिया है इसके ऊपर भी जो है काफ़ी सारे सैंक्शन, काफ़ी सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, इसके कारण इस पर जो है मंदी बनी रही। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो ग्रुप है अपने आप को अनुकूलित करता रहा समय के अनुसार, और इसने अपने रेसिलियंस को जो है साबित किया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इवन एट अ टाइम व्हेन द फाइव कंट्रीज आर हेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस पॉलिटिकली,
एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ सर, इवन एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर जब ये पांचों की पांचों देश बढ़ रहे हैं, हेडिंग मतलब बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शन पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो ब्रिक्स के पांचों देश जो हैं वह विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं, दे फाउंड वेस, लेकिन राजनीतिक रूप से विभिन्न दिशाओं में जाते हुए भी दे फाउंड वेस, इन्होंने वे रास्ते पा लिए, इन्होंने वे तरीके पा लिए टू बिल्ड अ कॉमन विजन फॉर द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक फ्यूचर, जिसके माध्यम से निर्मित किया जा सके, टू बिल्ड क्या निर्मित किया जा सके, एक कॉमन विजन। ठीक है साहब, राजनीतिक रूप से आप सारे देश जो हैं अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से तो कोई एक ऐसा विजन हो सकता है, कोई एक ऐसा सपना हो सकता है जो पांचों देश चाहते हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने निर्मित किया पांचों देशों ने, टू बिल्ड, एक तरीका इन्होंने खोज निकाला, एक रास्ता इन्होंने खोज निकाला टू बिल्ड, ताकि निर्मित कर सके क्या, एक कॉमन विजन, एक कॉमन विजन निर्मित कर सकें फॉर द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक फ्यूचर, पूरे विश्व के आर्थिक भविष्य के लिए, विद एन एम्फेसिस, जोर देते हुए, विद एन एम्फेसिस का मतलब होता है किसी बात पर जो है जोर देना, विद एन एम्फेसिस ऑन मल्टीलेटरलिज्म, तो किस बात पर जोर देते हुए, विद एन एम्फेसिस ऑन मल्टीलेटरलिज्म। देखो क्या होता है, एक तो हो गया बाइलेटरलिज्म, बाइलेटरलिज्म का मतलब दो देशों के बीच में जो व्यापार को बढ़ावा देते हैं या दो देशों के बीच में जो संबंध को बढ़ावा देते हैं ना, वो होता है बाइलेटरल। जब दो से ज़्यादा देशों के बीच में कुछ चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल। तो क्या इम्फोसिस दिया इन्होंने कि साहब इकोनॉमिक फ्यूचर पे इन्होंने जो है इम्फोसिस दिया, और इन्होंने क्या सोचा कि जो है बहुदेशवाद को बढ़ावा जाए, बहुदेशवाद को बढ़ावा दिया जाए ऑन मल्टीलेटरलिज्म एंड ए जॉइंट स्टेटमेंट एट ब्रासिलिया, और एक जो संयुक्त बयान जो जारी किया गया कहाँ पर, ब्रासिलिया पर, दैट डिक्राइड, जिसने की आलोचना की, डिक्राई, decry, डिक्राई, डिक्राई का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जो है निंदा करना या फिर किसी भी चीज़ की आलोचना करना, उसको बोलते हैं डिक्राइड। तो इन्होंने ब्रासिलिया में क्या किया, मैंने कहा ना ये ब्रासिलिया में जो है इसका सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ब्रासिलिया में इन्होंने निंदा की किस चीज़ की, यूनिलेटरल एंड प्रोटेक्शनिस्ट एक्शन। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, यानी कि कोई भी देश जब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कोई भी देश सिर्फ ऐसी नीतियां बनाता है जिससे सिर्फ उसी को फायदा हो, और प्रोटेक्शनिस्ट रवैया अपनाता है, सुरक्षात्मक रवैया अपनाता है, जैसे कि अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, RCEP, ये जो RCEP जो अभी हाल ही में हुआ ना, जिसमें इंडिया शामिल होने जा रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि RCEP से जो है इंडिया को ऐसा लगा कि साहब ये अगर हम RCEP में जुड़ते हैं तो हमें जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो इंडिया को क्या लगा कि हमें RCEP से बाहर हो जाना चाहिए, तो इंडिया ने क्या किया, एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट रवैया अपनाया। प्रोटेक्शनिस्ट रवैया अपनाने का मतलब होता है कि आप जो है मुक्त रूप से, व्यापारिक रूप से जो है पूरे विश्व के साथ नहीं जुड़ना चाहते, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट। यूनिलेटरल मतलब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, एक तरफा रवैया अपनाते हो। तो ब्रासिलिया में हमें ये देखने को मिला कि इन सारे देशों ने जो है इस बात की आलोचना की, किस बात की, कि साहब ये जो यूनिलेटरल है और ये जो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच होती है, ये जो इस प्रकार के एक्शन होते हैं ये नहीं अपनाने चाहिए। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है, कि फॉर इंडिया, इंडिया के लिए पर्टिकुलर रूप से अगर हम इंडिया की बात करें, द आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कहना, किसी बात को साफ साफ कहना, फॉर इंडिया इन पर्टिकुलर द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस विजन कम्स एट एन इम्पॉर्टेंट टाइम। तो ये जो विजन है ब्रिक्स के तहत जो विजन रखा गया है, ये विजन जो है इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर आया है, एट एन इम्पॉर्टेंट टाइम, गिवन दैट, देखते हुए क्यों इंडिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को देखते हुए कि क्यों भाई इंडिया, इट, इंडिया के लिए कहा गया, इट फेसेस, इंडिया जो है सामना कर रहा है, इट फेसेस इट्स ओन इकोनॉमिक क्राइसिस, कि भारत जो है वह स्वयं के आर्थिक संकट से जूझ रहा है, यानी कि आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है इंडिया को, एंड ट्रबल्ड ट्रेडिंग ट्राइस, ट्रबल्ड मतलब परेशानी से घिरा हुआ, ट्रेडिंग ट्राइस, और भारत के अन्य देशों के साथ जो आर्थिक संबंध हैं वे परेशानियों से घिरे हुए हैं, ट्रबल्ड इकोनॉमिक, ट्रबल्ड ट्रेडिंग टाई, टाई मतलब संबंध, विद सेवरल नेशंस, सेवरल मतलब कई, तो भारत के जो आर्थिक संबंध हैं कई देशों के साथ वे परेशानी से भरे हुए हैं। तो ऐसे समय में ये ब्रिक्स के तहत जो विजन रखा गया है वह विजन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर आया है। द फेल्यूअर ऑफ द ऑफिशियल्स, अब देखो इंडिया के लिए वही RCEP की बात की जा रही है, द फेल्यूअर ऑफ ऑफिशियल्स, कि अधिकारी वर्ग जो है, यानी कि भारत के जब संदर्भ में अगर आप बात करें तो भारत में ये जो अधिकारी वर्ग है उनका फेल हो जाना, द फेल्यूअर ऑफ ऑफिशियल्स टू रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब होता है हल करना, किसी चीज़ का समाधान निकालना। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे RCEP में जो कि
भारत जो है मतलब चाहता था कि अगर ये इश्यूज जो हैं, यानी कि ये जो मसले जो हैं अगर हल हो जाते हैं तो भारत RCEP में शामिल हो सकता था, लेकिन भारत के जो ऑफिशियल्स हैं वे इस बात का हल नहीं निकाल पाए। द फेलियर ऑफिशियल्स टू रिजॉल्व इश्यूज इन टाइमली, इन टाइम का मतलब है टाइम के अंदर अंदर, टू ज्वाइन द रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये RCEP की फुल फॉर्म है, यानी कि क्षेत्रीय विस्तृत, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब काफ़ी विस्तृत आर्थिक साझेदारी। तो इस ग्रुप में जो है इंडिया शामिल नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि अधिकारी वर्ग जो थे वे कुछ इश्यूज थे भारत के, कुछ मुद्दे थे जिन पे भारत को जो है दिक्कत आ रही थी RCEP में शामिल होने में, तो ऑफिशियल जो थे उन मुद्दों का हल नहीं निकाल पाए। द फेल्यूर ऑफ ऑफिशियल्स, अभी देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो हेड लगा है ना यहाँ पे हेड रेस्ट, तो ये लगा है द फेल्यूअर के लिए, फेल्यूअर के लिए, द फेल्यूअर ऑफ ऑफिशियल्स कि ये जो अधिकारी वर्ग है उनका फेल हो जाना, द फेल्यूअर हैड रेज्ड क्वेश्चंस, तो इनका फेल हो जाना इसके माध्यम से जो है काफी प्रश्न उठे हैं। रेज रेज का मतलब है उठना किसी चीज का, रेज्ड क्वेश्चंस काफी सारे प्रश्न उठे हैं किसके बारे में, अबाउट वेदर, कि ये प्रश्न उठे हैं साहब वेदर इंडिया इज रिवर्सिंग इट्स मार्केट लिबरलाइजेशन, कि इंडिया जो है भाई भारत ने क्या किया था, भारत ने भी जो है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम ताल करने की कोशिश की थी और भारत ने भी जो है उदारीकरण को अपनाया था। क्या होता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन? उदारीकरण का मतलब होता है कि आप अपने देश पर, अपने देश का जब व्यापार करते हो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, तो आप कम से कम प्रतिबंध लगाते हो, उन कम से कम प्रतिबंध लगाने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। रिवर्स, रिवर्स का मतलब है वापस लौट लेना, ठीक है ना, जैसे रिवर्स ले लो कार को, ठीक है, किसी भी चीज़ को रिवर्स कर लेना। तो भाई ये जब RCEP में इंडिया शामिल नहीं हुआ तो ये प्रश्न उठे थे साहब, ये प्रश्न खड़े हुए थे कि भारत जो जो कि उदारीकरण का समर्थक है क्या वापस जा रहा है, क्या उदारीकरण को जो है वापस जो है भारत पीछे लौट रहा है मतलब उदारीकरण से, ऐसे ऐसे प्रश्न उठे थे। एंड ओपननेस टू ट्रेड, ओपननेस टू ट्रेड का मतलब होता है व्यापार के प्रति खुला होना, तो ये प्रश्न भी उठा था कि क्या लिबरलाइजेशन और व्यापार के प्रति खुला होना, क्या भारत जो है इनको अपनाने की बजाय पीछे हट रहा है, क्या वापस जा रहा है इंडिया। आगे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण है इस संबंध में, कि इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट मिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, कि मिस्टर मोदी और ये जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, यूज्ड, इन्होंने प्रयोग किया, ये जो ब्रिक्स हुआ ना, ब्रिक्स आयोजित हुआ, तो इस ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म जो था, ब्रिक्स का मंच जो था, इस मंच का प्रयोग जो है दोनों ने किया, कौन ने, मिस्टर मोदी ने और चाइनीज प्रेसिडेंट ने, फॉर कंटिन्यूड टास्क ऑन ब्रिंगिंग इंडिया बैक, ब्रिंग समवन बैक, ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस लाना। तो इन दोनों देशों के लीडर्स ने इस बात पे चर्चा की लगातार, कंटिन्यूड टास्क मतलब बात को जारी रखना, कि साहब इंडिया जो है वापस RCEP में आ जाए, ब्रिंगिंग इंडिया बैक, ब्रिंग बैक कहाँ पर, इनटू RCEP, कि भाई RCEP में जो है इंडिया किसी तरह से वापस आ जाए, इनटू द RCEP फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की तह, जैसे कपड़े को तह करके रखते हैं ना, इसी तरह से RCEP जो है ना उसकी तह में, यानी कि RCEP के अंदर जो है इंडिया आ जाए, इस बात की जो है चर्चा जो है इन दोनों ने ब्रिक्स में भी जो है की। एंड फोकस्ड ऑन, और ये जो दोनों लीडर्स हैं मिस्टर मोदी और ये जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन्होंने इस बात पर फोकस किया, फोकस्ड ऑन किस बात पर, रिजॉल्विंग देयर ट्रेड इश्यूज, कि भाई भारत RCEP में क्यों शामिल नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भय था भारत को वो भय था चाइना से, तो यानी कि कुछ व्यापारिक मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है दोनों देशों में कुछ मामला बन नहीं पा रहा है, तो रिजॉल्विंग, रिजॉल्व का मतलब हल निकालना, देयर ट्रेड इश्यूज, तो दोनों देशों के लीडर्स ने बात की कि साहब जो भी हमारे व्यापारिक इशू हैं, जो भी हमारे व्यापारिक मुद्दे हैं, इनका किसी तरह से जो है हल निकाला जाए, इस बात पर दोनों ने फोकस किया। थ्रो व्यापारिक मसले जो हैं जिन पर कि काफ़ी विवाद बना हुआ है, तो उनको, उनका हल निकाला जाए किसके माध्यम से, थ्रू द रिसेंटली लॉन्च्ड मैकेनिज्म, अभी हाल ही में जिसकी, जिसको कि लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, जिस तंत्र को, मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी भी एक कार्य प्रणाली, एक तंत्र लेड बाय, जिसकी कि, जिसका कि नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर जो है मिल रहे हैं, ये दोबारा से मिलके कुछ एक ऐसे तंत्र को निर्मित करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से क्या किया जा सके, भारत और चाइना के बीच में जो भी व्यापारिक उलझनें बनी हुई हैं उन उलझनों को सुलझाया जा सके। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है, इन देयर प्रेस्क्रिप्शंस, देखो एक तो प्रेस्क्रिप्शन होता है वो जो डॉक्टर लिख के देता है ना आपको पर्चे पे, यानी कि वही, हाँ तो वो प्रेस्क्रिप्शन का मतलब वही होता है निर्देश, इन देयर प्रेस्क्रिप्शंस, यानी कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने क्या हुआ, ये जो समिट आयोजित हुआ, ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कुछ निर्देश लिखे अपने, इन देयर प्रेस्क्रिप्शन ब्रिक्स कंट्रीज
विच अक्नोलेज, तो इन्होंने कुछ निर्देश लिखे और उन निर्देशों में इन्होंने इस बात को स्वीकारा। अक्नोलेज का मतलब होता है एडमिट, एक्सेप्ट, किसी बात को स्वीकारना। क्या बात मानी इन्होंने? द वीकनिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इन ब्रिक्स कंट्रीज ने इस बात को स्वीकारा कि साहब कि ये जो पूरी अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि है उसमें जो है कमी आ रही है या फिर कम हो रही है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो स्लो पड़ रही है। इन द स्टेटमेंट, तो जो स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया ब्रिक्स समिट में, उसमें इन्होंने इस बात को माना कि पूरे अर्थव्यवस्था में, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है उसमें कमी आ रही है, वीकनिंग, कमजोर पड़ रही है वो। और क्या बात रिपीट की इन्होंने वहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में? रिपीटेड देयर कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है किसी बात को करने के प्रति जो आपकी दृढ़ता होती है ना, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। तो कौन सा कमिटमेंट था जिस बात को जिसको इन्होंने दोहराया? एंड रिपीटेड देयर कमिटमेंट टू द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बनी हुई है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इसीलिए बनी हुई है कि सारे विश्व जो हैं उनकी जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं उनको जो है बढ़ाने के लिए काम किया जाए, पारस्परिक आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए, उसके लिए इसका निर्मित हुआ है। तो इन्होंने कहा कि साहब जिस बात के लिए WTO की हमने स्थापना की है उसके प्रति हम हमारे कमिटमेंट को दोहराते हैं, प्रतिबद्ध रहेंगे। दो, यद्यपि द ओरिजिनल प्रोमोटर ऑफ द मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर। मल्टीलेटरल मैंने बताया ना आपको, मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब होता है बहुपक्षीय व्यापार। तो ये जो WTO की स्थापना की गई थी इसका ओरिजिनल प्रोमोटर कौन था? सबसे पहले इसने इसका प्रचार प्रसार, WTO का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किसने किया था? किसने कहा था कि साहब मल्टीलेटरल जो है ट्रेड होना चाहिए, मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर होना चाहिए? कहा था US ने, यूनाइटेड स्टेट ने, अमेरिका ने कही थी ये बात। इज, अब अमेरिका के लिए कहा जा रहा है, कौन लगा के? इज रिट्रेंचिंग, और अब अमेरिका जो है पीछे हट रहा है। रिट्रेंच का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज़ को जब कम करते हो, कटौती करते हो ना, तब हम रिट्रेंच शब्द का प्रयोग करते हैं, रिड्यूसिंग कॉस्ट, कम करना। तो यानी कि अमेरिका ही प्रारंभ में WTO का जो है मेन प्रमोटर था और अब वही पीछे हट रहा है। इज रिट्रेंचिंग इट्स इंटरेस्ट इन द बॉडी, यहाँ बॉडी आया WTO के लिए, यानी कि WTO में जो अमेरिका का जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, तो अमेरिका जो है अपने रोल को अब बहुत ही कम कर रहा है। इट्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका हित, आपका लगाव किसी चीज़ से जो जुड़ा हुआ है। दे ऑल्सो प्रेजेंटेड अ विज़न फॉर रूल्स बेड, इसके साथ ही साथ एक विज़न, एक सपना, क्या विज़न उन्होंने तैयार किया भविष्य के बारे में? जब आप कोई कल्पना करते हो, कोई सपना समझोते हो ना, उसको बोलते हैं विज़न। तो इसी के साथ ही साथ ब्रिक्स जो कंट्री हैं उन्होंने क्या प्रस्तुत किया? एक विज़न प्रस्तुत किया, रूल्स बेस्ड, नियम आधारित, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, बिना किसी भेदभाव के, ओपन, बिल्कुल खुला हुआ, मुक्त, फ्री एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक देश समाया हुआ हो, इंक्लूसिव इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन जो ये जो समिट हुआ, इस समिट में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की गई, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कि नियम आधारित हो, ट्रांसपेरेंट हो, भेदभाव रहित हो, खुला हुआ हो और जो सभी देशों को समाहित करता हो, इस ऐसे भी इनों में जो है बात की गई, जहाँ पर ये ब्रिक्स में ऐसी भी बात की गई। साथ ही साथ वाइल कमेंडिंग, प्रशंसा करते हुए, कमेंड का मतलब होता है किसी की सराहना करते हुए, तो किस चीज़ की सराहना करते हुए और किस चीज़ की सराहना की गई यहाँ पे? वाइल कमेंडिंग द ब्रिक्स लेड, ब्रिक्स लेड का मतलब होता है जिसका नेतृत्व ब्रिक्स कर रहा है, लेड ब्रिक्स, जिसका नेतृत्व ब्रिक्स, ब्रिक्स लेड न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है जिन्होंने कि ये बैंक निर्मित किया है, कौन सा? न्यू डेवलपमेंट, इसकी भी जो है प्रशंसा की गई, इसकी भी सराहना की गई। एंड द ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, और किसकी सराहना की इन्होंने? इसकी सराहना की, ये जो ब्रिक्स की बिजनेस काउंसिल जो बनी हुई ना, यानी कि कुछ लोग हैं जिन्होंने एक ग्रुप का निर्माण, यानी कि ब्रिक्स में ही एक काउंसिल का निर्माण किया गया है जो कि बिजनेस के संबंध में सलाह देगी, तो उसके लिए कहा गया साहब इन्होंने, किसके लिए कहा गया? ब्रिक्स की जो बिजनेस काउंसिल है उसके लिए ये कहा इन्होंने, इन इंश्योरिंग कि ब्रिक्स की जो बिजनेस काउंसिल है वो ये सुनिश्चित करे दैट ब्रिक्स कंट्रीज की, क्या सुनिश्चित करे? कि जो ब्रिक्स के जो देश हैं, अब ब्रिक्स के कंट्रीज़ के लिए कहा जा रहा है कोमा लगा के, ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए कहा जा रहा है, क्या कौन है ब्रिक्स कंट्रीज़? मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड, कि पिछला जो बीता दशक था हमारा, पास्ट डिकेड, पिछला जो बीता दशक था, उस पिछले बीते हुए दशक में जो वृद्धि थी, आर्थिक वृद्धि थी, उसको चलाने वाले मेन लोग जो थे वो ब्रिक्स कंट्रीज ही थे, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए कहा जा रहा है मेजर ड्राइवर्स, यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज थे वो कौन थे साहब? कि बीता जो हमारा पिछला दशक था, उस बीते हुए पिछले दशक में जो आर्थिक वृद्धि हुई, उस आर्थिक वृद्धि को चलाने वाले मुख्य ड्राइवर थे ब्रिक्स देश। तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है, अभी कोमा से कोमा था एक तरीके से, तो ये ब्रैकेट में लिखी हुई थी, तो इसको जो है ब्रैकेट में लिखो और अब जो है डायरेक्ट बोलो, ब्रिक्स कंट्रीज कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट, ठीक है, कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट
तो ये जो ब्रिक्स कंट्री हैं ये लगातार जो है प्रतिनिधित्व करते हैं किस चीज़ का, क्लोज टू अ थर्ड ऑफ ग्लोबल आउटपुट, यानी कि पूरे विश्व में जितना भी उत्पादन होता है उसका लगभग एक तिहाई, क्लोज टू अ थर्ड ऑफ ग्लोबल आउटपुट, उसका एक थर्ड जो है ये पांचों देश उत्पादित करते हैं। पूरे विश्व में जितना भी उत्पाद होता है यानी कि पूरे जगत में जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का एक तिहाई प्रोडक्शन इन ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या चर्चा करता है कि वेयर ब्रिक्स हैज फेल्ड इट्स फाउंडर्स इज इन द विजन, भाई ब्रिक्स जो है असफल हुआ है वो किस जगह हुआ है, वो हुआ है इज, कहां पर हुआ है इज, वेयर ब्रिक्स हैज फेल्ड, कि भाई कुछ बात है जहां पर ब्रिक्स फेल हुआ है वो जगह है ब्रिक्स हैज फेल्ड इट्स फाउंडर, जहां पर ब्रिक्स ने उसके संस्थापक लोगों को निराश किया है, यानी कि भाई ब्रिक्स की स्थापना जो की गई थी ना तो कुछ एक टॉपिक है या कुछ एक मुद्दा है जहां पर ब्रिक्स फेल हुआ है या फिर इसने अपने फाउंडर्स को निराश किया है, वो चीज़ है वो ये है इज इन द विजन ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फाइव कंट्रीज, कि भाई ब्रिक्स में एक बात की गई थी, क्या बात की गई थी, इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है पारस्परिक निर्भरता, एक सपना देखा गया था, इस सपने में ये कहा गया था कि ब्रिक्स कंट्रीज जो होंगी वे आपस में एक दूसरे पर क्या करेंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी या एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगी डिस्पाइट, तो लेकिन ये जो है सपना जो था ना ये साकार नहीं हो पाया, क्यों, डिस्पाइट देयर कंबाइंड पॉपुलेशन अकाउंटिंग फॉर 40%, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण होना, एक तरीके से जिम्मेदार होना, यानी कि डिस्पाइट देयर कंबाइंड पॉपुलेशन अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता, यानी कि ये जो पांच देश हैं इन पांच देशों में 40% लोग रहते हैं, ह्यूमैनिटी 40% मानवता रहती है इनमें, तो इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट देयर कंबाइंड पॉपुलेशन, इन पांचों देशों की अगर हम कंबाइंड पॉपुलेशन की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो अकाउंट फॉर कितनी बनती है, कितनी है वो है लगभग 40%, इसके बावजूद भी इंट्रा ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स के अंदर होने वाला ट्रेड, इसके बावजूद भी ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनके भीतर होने वाला जो व्यापार है स्टिल मेकअप मतलब निर्मित होना जस्ट 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि इन पांचों देशों की जनसंख्या जो है लगभग 40% बैठती है पूरे विश्व की, इसके बावजूद भी विश्व का एक तरीके से व्यापार की अगर हम तुलना देखें ना व्यापारिक रूप से अगर हम देखें तो ब्रिक्स ट्रेड स्टिल मेकअप जस्ट 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, कि पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उस व्यापार का सिर्फ 15% जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज निर्मित करते हैं, तो ये काफ़ी आश्चर्य भरी बात है कि साहब आपके पास इतनी बड़ी जनसंख्या है और इसका आपका व्यापार जो है इतना कम है, तो ये जो बात है यहाँ पर कुछ जो है ब्रिक्स जो है हमारा कुछ फेल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आगे जो है जाते हुए आगे कुछ बात करते हुए इट इज़ ग्रेटर कनेक्टिविटी, आगे एडिटोरियल बोलता है कि कनेक्टिविटी मतलब एक तरीके से आपकी कनेक्टिविटी बढ़े, मतलब किसी तरह से आपके बीच में जो है कनेक्शन बढ़े, इट इज़ ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड मोर ट्रेड, कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन जो है इन देशों में बढ़े, यही कुछ चीज़ है दैट विल अलाउ, जिसके माध्यम से संभव हो पाएगा, क्या चीज़ संभव हो पाएगी, दैट विल अलाउ द ब्रिक्स कंट्रीज टू क्लेम देयर राइटफुल स्पेस, राइटफुल मतलब ठीक स्पेस मतलब जगह, राइटफुल स्पेस यानी कि जो ब्रिक्स को जो जगह मिलनी चाहिए पूरे विश्व में है ना, या जो विश्व में जो एक दावा करता है ना ब्रिक्स कंट्रीज, यानी कि वो कहता है कि साहब देखो हम कितने महत्वपूर्ण हैं, तो यदि आप चाहते हो कि ये दावा जो है साकार हो सके आपका, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्रिक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में व्यापार बढ़े, एंड और क्या हो, ब्रिक्स जो है प्रोवाइड करे एंड प्रोवाइड द लीडरशिप एंड एनर्जी दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर नीड्स अर्जेंटली, और ज़रूरी है कि ये जो ब्रिक्स है ये प्रोवाइड कराए, क्या प्रोवाइड कराए, लीडरशिप को, नेतृत्व और ऊर्जा, एक ऐसी नेतृत्व और एक ही ऐसी ऊर्जा को ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं पूरे विश्व को उपलब्ध कराएं जिसकी कि सारे विश्व को ज़रूरत है, दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, कि ये जो हमारा पूरा वैश्विक आर्थिक ये जो ऑर्डर है ना इसको बहुत ही अर्जेंटली जो है इस चीज़ की ज़रूरत है। दोबारा देखें इस लास्ट लाइन को, क्या एडिटोरियल जो है फाइनली कहना चाहता है कि गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ ग्रेटर कनेक्टिविटी, कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है कनेक्टिविटी की और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के बढ़ने की, जिसके माध्यम से क्या होगा, जिसके माध्यम से ये होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं उन वे जो दावा करते हैं ना कि हमारा क्या स्थान है साहब पूरे विश्व में, तो वो दावा जो है उनका सही साबित हो सके, और साथ ही साथ ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वे प्रोवाइड करा सकें, क्या प्रोवाइड करा सकें, क्या उपलब्ध करा सकें, एक लीडरशिप की, एक नेतृत्व की ज़रूरत है पूरे विश्व को, एक ऊर्जा की ज़रूरत है पूरे विश्व को, किस बात के लिए नेतृत्व की ज़रूरत है, दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर,
नीड्स अर्जेंटली, पूरा हमारा जो वैश्विक आर्थिक ऑर्डर है, पूरा जो हमारा एक तरीके से वैश्विक आर्थिक ढांचा है, उस बात को सबसे ज़्यादा जिस लीडरशिप की आवश्यकता है वो लीडरशिप जो है दे सकता है। तो कौन दे सकता है? सिर्फ ब्रिक्स ही दे सकता है। और कब दे सकता है? जब कनेक्टिविटी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़े। तो ये एडिटोरियल फाइनली कहना चाह रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। वोकैब इसकी हम देख लेते हैं। तो वोकैब कुछ खास है नहीं, ज़्यादा आज तो कम ही है वोकैब इसकी। पहला शब्द देख लेते हैं और इसका जो है आप एक तरीके से वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसकी जो है पीडीएफ भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस पीडीएफ को भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें आप और इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो आप देखते हैं वोकैब। डिसअरे, इसका मतलब होता है ए लैक ऑफ ऑर्डर, अव्यवस्था। इसके बाद है अपॉर्चून, इसका मतलब होता है उपयुक्त, अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन। देखो बार बार मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप ठीक तरह से एडिटोरियल्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे को ठीक तरह से समझना चाहते हैं, और सबसे खासकर जो है आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो देखो एक बार तो आपने मेरे साथ पढ़ लिया एडिटोरियल, इसके बाद में दूसरी बार आप अपने से पढ़ें उसे, और वो सबसे ज़्यादा सटीक टाइमिंग होता है वो होता है रात को सोते वक्त या फिर सुबह उठते ही। 24 घंटे में एक बार इसका रिविजन जरूर से जरूर करें। और बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो इंग्लिश मीनिंग है ना, मैं इसीलिए लिखता हूँ आपके लिए कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखें, हिंदी को चेक करने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीनिंग तभी देखें आप जब इंग्लिश टू इंग्लिश आपको डिफिकल्टी आ रही हो, ठीक है? तो देखते हैं। तो अपॉर्चून, अपॉर्चून क्या हो गया? अपॉर्चून का मतलब हो गया अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन, उपयुक्त होना किसी भी चीज़ का। ने सेयर मतलब जो कि नकारात्मकता से भरा हुआ हो, हर बात में जो है नानुकुर करता हो, यानी कि हर बात की आलोचना करता हो। कॉइन मतलब किसी नए शब्द को खोजना, गढ़ना, उसको बोलते हैं कॉइन, ये गढ़ना। इसके अलावा बॉय, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी चीज़ को ऊपर उठाए रखना, सहारा देना। स्लगिश मतलब मंद, लेडन मतलब लदा हुआ, कैरिंग समथिंग हैवी, जिसके ऊपर भार पड़ा हुआ हो किसी के ऊपर। सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, मैंने बताया ना आपको सैंक्शन क्या होता है, इसको देख लें इंग्लिश में समझें सैंक्शन को, प्रतिबंध से नहीं आएगा ठीक तरह से समझ में। एन एक्शन टेकन अगेंस्ट ए कंट्री, कोई भी कदम जो कि किसी देश के खिलाफ उठाया जाता है, जिसके माध्यम से उस देश को मजबूर किया जाता है कि वह जो है एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे। स्लो डाउन का मतलब हो गया मंदी, ठीक है? ए डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कमी आ जाना इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है मेक एडजस्टमेंट्स टू, अनुकूल बनाना किसी चीज़ के। आप जब अपने आप को किसी चीज़ के अनुकूल बना लेते हो, किसी परिस्थिति के अनुकूल बना लेते हो, तो उसको बोलते हैं कि भाई आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। इसके बाद देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें साथ ही साथ। रिसिलियंस का मतलब होता है कि भाई आप पे इतनी मार पड़ी, इतनी चोट पड़ी, इसके बावजूद भी आपने रिकवर कर लिया, उसको बोलते हैं कि यार आप में जो है लचीलापन बहुत ज़्यादा है, आप जो है उठ खड़े होते हो, प्रतिरोध क्षमता आपकी अच्छी है। डिक्राई मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी चीज़ की, निंदा करना किसी चीज़ की। यूनिलेटर मतलब एक तरफा। आर्टिकुलेशन मतलब, आर्टिकुलेट मतलब होता है किसी बात को कहने का अंदाज, कहना किसी चीज़ को साफ साफ कह देना। द वे इन विच फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना किसी चीज़ को, सेटल करना, सॉर्ट आउट करना। प्रेस्क्रिप्शन मतलब मैंने आपको बताया ना निर्देश, रूल्स दैट विल हैव अ पर्टिकुलर इफेक्ट। अक्नॉलेज मतलब होता है मानना, स्वीकार करना, एडमिट करना किसी चीज़ को। रिट्रेंच मतलब कम करना, कटौती करना, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट। कमेंड मतलब होता है किसी चीज़ की सराहना करना, एडमायर करना किसी चीज़ को। इसके अलावा है अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि भाई एक तो जिम्मेदार होना या फिर कारण होना, है ना, तो उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर, कि भाई कारण बताना। टू बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, कि भाई ये जो घटना घटित हुई इसके लिए अकाउंट फॉर, मतलब जिम्मेदारी मतलब क्या है, इसका कारण क्या था, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, तब हम लगाते हैं अकाउंट फॉर का। तो अक्सर इसका प्रयोग होता रहता है। तो अब ये जो हमारे क्लोज टेस्ट आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कॉमन एरर आती है ना, तो वहाँ पर काफ़ी चीज काम आते हैं इस प्रकार के शब्द जो हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, तो इसको देख लें अच्छी तरह से। अच्छा अभी तो एक और बचा है क्लेम, तो क्लेम तो बहुत ही इस कॉमन शब्द है बस। क्लेम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दावा करना, टू से दैट समथिंग इज ट्रू। तो जब आप किसी भी चीज़ का दावा करते हो ना, तो उसको बोलते हैं हम क्या, क्लेम करना किसी भी चीज़ का। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल सैटरडे का। कल है संडे, तो कल की रहेगी छुट्टी, तो मंडे को हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।